हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हेलो एरिन के नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण को देखेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। तो चलिए नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण को देखते हैं हेलो एरिन का। देखिए, नाइट्रीकरण होता क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को HNO3 अर्थात यह है नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब अर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या बनता है, अर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, इसका समीकरण देखिए, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिख लेते हैं। ये है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, या फिर ऐसा रिंग में लिखा जा सकता है, इसको बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या बनता है, अर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ पर देखिए, अर्थो पैरा और मेटा है क्या, यहाँ पर Cl समूह को छोड़कर ये वाला कॉर्नर को बोला जाता है अर्थो, इसको मेटा बोला जाता है और इसको पैरा बोला जाता है। तो इस वाले कार्बनर से हाइड्रोजन निकलती है, तो यहाँ से किसको लेकर जाएगी, ये जो होता है नाइट्रिक अम्ल, इसको ऐसा तोड़ा जा सकता है, इसमें OH- पार्ट होता है और NO2 जो होता है प्लस पार्ट होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो OH को लेकर चला जाता है, अर्थात यहाँ से जल बाहर निकलेगा और NO2 ग्रुप बचा है, वही जो है हाइड्रोजन जहाँ से निकला रहता है वहीं पर जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या ग्रुप जुड़ेगा, NO2 नाइट्रो ग्रुप, यही है अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसमें समावयवी बनता है यदि यही हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, यदि यही हाइड्रोजन जो है आप लोगों के पैरा से निकलता, मतलब इस क्लोरोबेंजीन में से पैरा से निकलता है, इस वाले पोजीशन से निकलता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो पुनः फिर OH को लेकर जाएगा, और यदि OH को लेकर जाएगा तो कौन सा ग्रुप बचेगा, NO2 ग्रुप बचेगा, और यही NO2 ग्रुप जो होता है वह पैरा पोजीशन में जाकर जुड़ जाता है। अर्थात यहाँ पर ये इसका सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए Cl तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और NO2 ग्रुप जो होता है यही पैरा पोजीशन में आकर जुड़ जाता है, और इसी का नाम है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इसमें होता क्या है, एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए, जब क्लोरोबेंजीन को HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, तब अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है, यही है नाइट्रीकरण इसका हेलो एरिन का। ठीक है, अब देखिए सल्फोनीकरण भी बहुत ही सरल है, इसका पहले लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को सांद्रा H2SO4 के साथ सल्फोनीकरण किया जाता है, अर्थात अभिक्रिया कराई जाती है, तब अर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन को लेने वाले हैं, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ कराने वाले हैं, तब क्या बनता है, अर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। फिर पुनः देखिए, यहाँ पर अर्थो पोजीशन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये जो होता है H2SO4 जो होता है दो पार्ट में कैसे टूटता है, ये जो होता है OH- और SO3H जो होता है प्लस पार्ट में होता है। तो यहाँ पर आप लोग खुद देखिए, हाइड्रोजन जो है किसको लेकर जाएगा, OH को लेकर जाएगा, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा, और कौन सा ग्रुप बचा, SO3H, SO3H जो ग्रुप है यही पर आकर कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर SO3H, इसी को बोला जाता है, और ये बड़ा समूह है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अर्थो न बोलकर इस क्लोरो को अर्थो बोला जाता है। ठीक है, तो अर्थो पोजीशन में क्लोरो जुड़ा है, ना कि SO3H सल्फोनिक अम्ल अर्थो पर नहीं जुड़ा है, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप जो होता है अर्थो पर जुड़ा है, तो इसको बोला जाता है अर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से एक बार यदि हाइड्रोजन जो है एक बार अर्थो से निकले है तो ये बनेगा, और यदि यही हाइड्रोजन जो है पैरा पोजीशन से निकले, मतलब यहाँ से निकले,
तो यहाँ से निकलेगा तो ये हाइड्रोजन जो है पुनः OH को लेकर जाएगा, है ना, ठीक है, OH को लेकर जाएगा और SO3H जो होता है पैरा पोजिशन में जाकर जुड़ेगा। तो इसका सूत्र कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर तो Cl रहेगा, इस पैरा पोजिशन पर SO3H जाकर जुड़ जाएगा और, है ना, ये पैरा पोजिशन पर जुड़ा है बट इसका नामकरण लोगे तो क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है और Cl छोटा ग्रुप है तो अर्थोमेटा पैरा ऐसा होने वाला है। तो ये क्लोरो जो क्लोरीन है वह पैरा ग्रुप में जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा, पैरा क्लोरो, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको भी देखिए, जब क्लोरो बेंजीन को H2SO4 के साथ, ठीक है, जब क्लोरो बेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, सल्फोनीकरण कराया जाता है, तब क्या बनता है, अर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो ये हो गया आप लोग का नाटीकरण और सल्फोनीकरण, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।